हेलो गाइस, आज हम जन्माष्टमी के अवसर पर मेवा पाक बनाएंगे, तो आइए बनाते हैं मेवा पाक। मेवा पाक बनाने के लिए ये हमने 1 किलो चीनी ली है, ये मैंने 3 सूखे नारियल लिए थे और इनको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और ये मैंने 100 ग्राम मखाने लिए हैं, 100 ग्राम गोंद ली है, 150 ग्राम मगज लिए हैं और 150 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं और 150 ग्राम ही मैंने मूंगफली ली है और ये मैंने देसी घी लिया है। तो आइए बनाते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली है और मैं इसमें घी डालूंगी। घी मैं थोड़ा ही डालूंगी पहले। घी हमारा गरम हो चुका है, अब मैं सबसे पहले मूंगफली को फ्राई कर लूंगी। मूंगफली हमारी चटकने लगी है। अब मैं मूंगफली को एक प्लेट के अंदर निकाल लूंगी। ये हमारी मूंगफली फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें ये बादाम डाल दूंगी, इनको भी मैं फ्राई कर लूंगी। बादाम भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। ये हमारे बादाम भी फ्राई हो चुके हैं, अब हम फूल मखाने को फ्राई कर लेंगे। ये हमारे फूल मखाने भी फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इन्हें भी एक बर्तन में निकाल लूंगी। ये हमारे फूल मखाने भी फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इस कढ़ाई के अंदर घी और डालूंगी। मैंने ये कुल घी 200 ग्राम के आसपास लिया था और जिसमें से अभी ये इतना घी बच चुका है। अब मैं इसमें ये गोंद भी भून लूंगी। गोंद को हमें अच्छे से भूनना है, अगर ये गोंद हमारी अच्छे से नहीं भुनी तो ये जब हम इस मेवा पाक को खाएंगे तो वो दांतों में चिपकने लगेगी।
हमारी गोंद भी अच्छे से घुलकर तैयार हो चुकी है। इसे भी मैं बर्तन में निकाल लूंगी। ये हमारी गोंद भी भुनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें ये मगज डाल के भूनूंगी। ये हमारे मगज में झटकने की आवाज आने लगी है। और अब मैं इस मगज के साथ ही ये नारियल का दूध डाल दूंगी। और गैस को मैं बंद कर दूंगी। और ये हमारा नारियल का बुरादा और मगज ये भी अच्छे से भुन चुके हैं। मैं इन्हें परात के अंदर निकालूंगी। और अब मैं इसके अंदर ये बादाम डाल दूंगी। इसी कढ़ाई में मैं चाशनी तैयार करूंगी। अब मैं इस कढ़ाई के अंदर ये चीनी डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें एक गिलास पानी डालूंगी। और इस चाशनी को मैं पकने दूंगी। अब मैं इन मखानों को मिक्सी में पीस लेती हूँ। इस मिक्सी में मैंने पहले नारियल पीसा था, अब मैं ये मखानों को पीस लेती हूँ। ये हमारे मखाने पीस गए हैं। अब मैं इसे भी परात के अंदर निकाल लूंगी। और जो ये बाकी बचे हुए हैं इन्हें भी पीस लूंगी मखानों को। ये मखाने भी हमारे पीस कर तैयार हो चुके हैं, इन्हें भी मैं निकाल लूंगी। अब मैं इसी मिक्सी के अंदर ये मूंगफलियों को भी पीस लूंगी। आप चाहे इनका छिलका भी निकाल सकते हो, मैं ऐसे ही इनको पीसूंगी। ये हमारी मूंगफली भी पीसकर तैयार हो चुकी है। मूंगफली को हमने दरदरा पीसा है। अब मैं इसी के अंदर पीस लूंगी। गोंद को मैं एकदम सारा ही डाल दूंगी। ये हमारी गोंद भी पीसकर तैयार हो चुकी है, इसे भी मैं इसमें निकाल लूंगी। अब मैं इसे हाथ से मिक्स करूंगी। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है हाथ से। और अब मैं चाशनी को भी चेक कर लेती हूँ। और ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे चेक करके दिखाऊंगी आपको।
ये देखो अब तार गिरने लगी है इसकी। मैं हाथ की मदद से दिखाऊंगी आपको, ये देखो ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है एक तार की। ये मैंने एक परात ली है, इस पे मैं घी लगा लूंगी और ये मेरा 200 ग्राम घी में से इतना घी बच चुका है। और अब मैं इस थाली के अंदर भी घी लगा लूंगी। अब मैं चाशनी के अंदर ये सारा सामान डाल दूंगी इसके अंदर। ये और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। ये हमारी मेवा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब मैं ये थाली में डालूंगी। ये हमने थाली में अच्छे से फैला दिया है। अब मैंने एक कटोरी ली है, इस कटोरी की मदद से इसे दबा दूंगी मैं। ये हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक साइड में ठंडी होने के लिए रख दूंगी और बाकी बची हुई को मैं इस परात के अंदर निकाल लूंगी। और इसे भी मैं इसी प्रकार से जमा दूंगी अच्छे से। अब मैं एक कटोरी की मदद से इसको दबाऊंगी। और ये भी हमारे अच्छे से जम चुकी है, इसे मैं अच्छे से फैला दूंगी। ये हमारी अच्छे से फैल चुकी है और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी और 15 से 20 मिनट बाद मैं इसे चेक करूंगी। अब मैं इसकी ना भूलें धन्यवाद। ये हमारी बर्फी की इसकी भी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसके पीसेस निकाल लूंगी। इसके पीसेस आराम से ही निकल जाते हैं, बिल्कुल आसानी से। और अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व भी करूंगी। और इसके फिर से मैं पीसेस निकालूंगी बर्फी के। ये बर्फी कितनी अच्छे से जमकर तैयार हुई है हमारी। ये हमारा
मेवा पाक बनकर तैयार हो चुका है। आप भी जन्माष्टमी के अवसर पर मेवा पाक बनाइए और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।